बहुत पोटेंशियल है जो यूथ आप देखेंगे, और इसमें हम लोगों ने पैरामीटर ये रखा है कि ये लोग इंटरनेशनल लेवल तक जा सके, नेशनल नहीं इंटरनेशनल तक जा सके, तो उस तरह से हम लोग सिलेक्शन करेंगे। Pointers on the presentation, on the confidence and on the projection. Looks can always be groomed, but these are the areas that are going to be our major parameters. हाइट सबसे पहला मैटर होता है, उसके बाद कॉन्फिडेंस होता है, उसकी बिल्ट होती हैं। नॉर्मली यहाँ देखा गया है इंदौर में लड़के बॉडी बिल्डिंग करते हैं और काफ़ी बड़े चेस्ट और टोले छोले लेकर के आते हैं और अपने आप को मॉडल कहते हैं, जबकि इससे विपरीत है, आपकी बॉडी लीन होना चाहिए। बहुत सारी मॉडल्स के शोल्डर्स बहुत डाउन रहते हैं, विमेन इन पर्सनल पूरे इंडिया में शोल्डर डाउन रहते हैं, दे टेंड टू वॉक लाइक दिस बिकॉज ऑफ आर कल्चर। तो अभी अभी वेस्टर्न पहनना स्टार्ट किया है तो दे बिकम कॉन्फिडेंट लिटिल बिट, पर फिर भी शोल्डर्स का बहुत ही प्रॉब्लम है। सो हाँ, वील ग्रूम देम और वील सी समवन विद दैट कॉन्फिडेंस। Of course, height does matter in the modeling industry, so they should have height and the confidence. Jo bhi aapko, like whatever you've been thinking, like you don't have the looks, you don't have the perfect figure, I don't have this, I don't have that, please leave all of that at home. टचवुड रिसोर्ट से मनीष जोशी और प्रीति रमन नरसिंह अरोरा है, और हम लोग पहली बार इनसे जुड़े हैं सरबजीत जी के इवेंट से, और यहाँ आके हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है। Was very good. The judges were very good. They gave me a really good and honest feedback, told me what I can work upon, and they've told my strengths. So that's very important for any person to know what's their strengths and weakness. This is my first time, and before this I had never thought to become a model. I'm giving audition on this platform, but something just clicked my mind and just wanted that I should definitely give a try, and today I am here. एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, जजेस से मिलके भी बहुत अच्छा लगा मुझे, एंड क्वेश्चन तो कुछ नहीं, बट उन्होंने मेरी वॉक देखी एंड मेरी हाइट देखी, एंड ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंस मैटर्स, तो आई थिंक मैंने उन्हें इम्प्रेस किया होगा। एक्टिविटी बॉडी उन्होंने देखी, वॉक देखी, कम्युनिकेशन स्किल वगैरह देखा, सब ये सारी चीज़ें उन्होंने नोटिस की। ऑडिशंस बहुत अच्छे थे, आई वॉज क्वाइट नर्वस, बट देन व्हेन आई वॉक्ड आई गेन द कॉन्फिडेंस एंड इट वॉज अकॉर्डिंग टू मी अ गुड ऑडिशन। बहुत अच्छा ऑडिशन रहा, फर्स्ट टाइम दिया था मैंने, लास्ट टाइम मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। के ऑडिशन स्टार्ट हो गए हैं, 16 और 17 दो दिन ऑडिशन है, और एक अपॉर्चुनिटी ये बता दूं, आज बहुत अच्छा क्राउड है और बहुत सारे लोग भी आए हुए हैं जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा लोग आए हुए हैं, और मेरा ये कहना है कि कल का दिन और है, और जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना है स्पॉट रजिस्टर करके भी ऑडिशन दे सकते हैं, और दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर दिस ईयर, अदरवाइज आपको एक साल के लिए वेट करना पड़ेगा। पिछले 7 सीजन से ज़्यादा रिस्पॉन्स है, अभी मुझे लगता है कि 100+ मॉडल्स आ चुके हैं जो हो रहे हैं, और टफ कॉम्पिटिशन भी है और अच्छा भी है, सभी लोग बहुत है। और एक बात मैं बताना चाहूँगा कि इसमें हमें किसी भी तरह का कोई मॉडल नहीं चाहिए होता है, वी टेक रॉ, और उनको पूरी तरह से मॉडलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है जिनसे कि वो अपने आप को बहुत अच्छा ग्रूम कर लेते हैं, और वो पूरा नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के काबिल हो जाते हैं। इस पूरे इवेंट के बाद वो अपने आप को एक कम्प्लीट मॉडल और अपने आप को कहीं भी किसी भी पेजेंट में कॉम्पिटिट कर सकते हैं, जैसे कि पिछले कई सीजन से जो लड़के हैं वो लैकमे में वॉक कर रहे हैं, अभी मिस इंडिया में गर्ल्स जा रही हैं, मिस्टर वर्ल्ड में जा रहे हैं, मिस्टर इंडिया में जा रहे हैं, तो दिस इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी फॉर द एस्पायरिंग मॉडल्स जो मॉडलिंग इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, दे शुड कम एंड दे शुड ट्राई।